हेलो दोस्तों, जायका भी तनुजा में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ राधा अष्टमी के दिन राधा जी को भोग लगने वाली दही की अरबी। हम ब्रज की साइड या वृंदावन जाएं या मथुरा जाएं, वहाँ पर राधा अष्टमी के दिन दही की अरबी का ही भोग लगता है। इसे हम दही की अरबी भी बोल सकते हैं और मसाला अरबी भी बोल सकते हैं। हम अगर ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाएं तो ब्रज में तलने के बाद 24 घंटे तक दही में भिगोकर रखा जाता है अरबी को, पर आजकल किसी पे टाइम नहीं है इतना, इसलिए हम अलग ट्रिक से बनाएंगे। मैंने यहाँ 250 ग्राम अरबी ली है। इसको छील के अच्छे से धो के मैं ऐसे लंबे लंबे में काट लूँगी, सारी अरबी काट लूँगी मैं। फिर मैंने 2 सर्विस स्पून सरसों का तेल डाला है और उसके अंदर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। मैं बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाल रही हूँ, पूरा डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं कम ही तेल में इसको फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये गल नहीं जाती है तब तक हम इसको गैस पे इसी तरह से पकाते रहेंगे और बीच बीच में मैं इसको चलाती रहूँगी। राधा अष्टमी के दिन अरबी की सब्जी का भोग ज़रूर लगता है, आप इसका भोग राधा अष्टमी के दिन ज़रूर लगाएं। और वैसे भी हम इसे बना के अपने घर में खा सकते हैं। जब तक ये तल रही है तब तक मैं आधी कटोरी मैंने ये दही लिया है तो थोड़ा सा फेंट लूँगी। अब इसके अंदर आधी चम्मच मैंने देगी मिर्च और आधा चम्मच हल्दी और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला डाला है। इनको भी मैं सब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके मैं अलग रख लूँगी इसे। अब आप देखिए ये अरबी तल के तैयार हो गई हैं। मैं इनको निकाल लूँगी और आप देखिए थोड़ा सा ऑयल बचा है, इसी ऑयल में मैं बाद में अपनी अरबी छोंक दूँगी। मैंने आधा चम्मच अजवाइन ली है, थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक लंबी लंबी काट के डाली है। आप चाहो तो कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने तीखे या टेस्ट के अनुसार। अब जब ये मिर्च गल जाएगी तब मैंने जो दही में सारे मसाले डाले थे वो मैं डाल दूंगी। और हमें जब मैंने ये दही डाला था तब अपनी गैस बंद कर दी थी, अब गैस मैं दोबारा चला रही हूँ। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, नहीं तो हमारा दही फट जाएगा। और जब तक ये उबाल नहीं आ जाता तब तक मैं इसको चलाती रहूँगी। और उबाल आने के बाद भी हमें इसको भूनना है अच्छे से कि ये हमारा जो दही है ये दही सूख जाए और जितना भी हमने इसमें ऑयल डाला है वो ऊपर आ जाए। अब आप देखिए ये भून चुका है, ऑयल दिखने लगा है। अब इसमें जो हमारी ये तली हुई अरबी थी वो मैं डाल दूंगी। अब इसको डालने के बाद भी मैं 5 मिनट तक खूब अच्छे से इसमें भूनूंगी कि जो मसाला मैंने डाले हुए हैं उसकी खुशबू आ जाए। अब मैंने इसमें नमक डाला है, नमक मैंने पहले नहीं डाला था क्योंकि नमक अगर आप पहले डाल दोगे तो ये सौगी हो जाती हैं, इसलिए नमक हमें लास्ट में ही डालना है इसे, जिससे ये कुरकुरी बनी रहे। हमें इतना भूनना है कि इसमें जो हमने मसाले डाले हुए थे वो पूरी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं और उनका टेस्ट प्रॉपर आ जाए। अब हमारी अरबी राधा रानी को भोग लगने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप पूड़ी के साथ, परांठे के साथ राधा अष्टमी के दिन ज़रूर भोग लगाएं और जब भी मन करे तब ऐसी अरबी बनाकर खाएं आप। वीडियो अगर पसंद आ रही है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।